जनवरी से बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा की शुरुआत हुई है। इसी बीच मोतिहारी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। जिले में चौक चौबंद व्यवस्था के बीच 54 केंद्रों पर परीक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में दूसरी पाली के दौरान बवाल हो गया। पहले तो समय पर छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं मिला और जब मिला तो परीक्षा देते सेंटर पर अंधेरा पसर गया। कॉलेज में लाइट नहीं होने के कारण पुलिस की गाड़ी से लाइट जलाई गई, तब जाकर छात्रों ने एग्जाम दिया। इधर निर्धारित समय के बाद विलंब से परीक्षा शुरू होने के कारण केंद्र से बाहर अभिभावक और अंदर परीक्षार्थी हंगामा करने लगे। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी के कारण 4 बजे तक परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र और कॉपी का वितरण नहीं हो सका था। दूसरी पाली का समय दोपहर 1:45 से 5 बजे तक निर्धारित था, लेकिन बताया जा रहा है कि रात 8 बजे तक कर देना था, लेकिन बच्चों को अभी तक घेर के रखा हुआ है, कॉपी तक नहीं आया था और बच्चों को गाड़ियों का लाइट जला के एग्जाम दिलवाया जा रहा, ये कदापि सही नहीं है। आप लोग पूछना चाहते हैं भाई, आप लोग हल्ला नहीं करिए, आप लोग के बच्चे को एग्जाम होने दीजिए चुपचाप, आप लोग गेट पर बजाइए। हम पूछना चाहते हैं, पहले जिस कॉलेज में लाइट की व्यवस्था नहीं है उस कॉलेज में लाइट की व्यवस्था करे, और साथ ही जब प्रशासन से सवाल करने की बात आती है तो सवाल क्यों नहीं पूछने दिया जाता है। तो अब यही सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, देखिए कि ये जो लाइट की जो व्यवस्था है